हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लिमिटलेस एमायरा आई होप कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे तो टाइटल देखकर आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम आज बात करने जा रहे हैं मीम टोकन्स की मीम कॉइन्स की जो भी बिगनर्स हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है देखिए हम लोग क्रिप्टो में आते क्यों हैं सो so दैट हमें प्रॉफिट हो और आपको जो अपना पोर्टफोलियो दैट मीन्स जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ मीम टोकन्स को ज़रूर लेकर रखें आप किसी की भी वीडियो देखेंगे रिसर्च करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि मीम टोकन्स जो है बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है लेकिन कुछ परसेंट फाइव परसेंट टू टेन परसेंट जो है अपने पोर्टफोलियो का पार्ट है वो मीम टोकन में ज़रूर करें अब सबसे पहले हम जानते हैं कि मीम कॉइन्स होते क्या हैं देखिए इंटरनेट पे हम लोगों ने फेसबुक वगैरह पे काफ़ी मीम्स देखे होते हैं जोक्स वगैरह बने होते हैं किसी क्लिपिंग को लेके या कोई आ, कुछ वायरल हो गया उस पर मीम्स बन जाते हैं तो उन्हीं मीम के ऊपर ये बेस्ड होती है मीम करेंसी इसकी जो स्टार्ट अगर कहेंगे कि पहला जो मीम कॉइन था वो था डॉच कॉइन जो कि टू में बना था और इसको इलॉन मस्क जो है वो सपोर्ट करते हैं इलॉन मस्क के बारे में सभी को पता है डॉच कॉइन 2013 में बना एंड उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था इसका प्राइस जिसके बाद काफ़ी जो मीम टोकन्स हैं वो मार्केट में आए 21 अक्टूबर तक 124 ट्वेंटी फोर कॉइन्स जो है मार्केट में आ चुके हैं लेकिन कुछ पॉपुलर मीम कॉइन्स आपने सुने होंगे जैसे कि डॉच कॉइन ही है शिबा इनू है और भी कॉइन्स हैं सेफ मून है फ्लॉकी इनू है, है जो आप लोगों ने सुने रहे होंगे मीम कॉइन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए ये लोगों के सेंटीमेंट से भी जुड़े होते हैं कम्युनिटी के सेंटीमेंट से जुड़े होते हैं सोशल मीडिया में कोई भी ट्वीट आ गया सोशल मीडिया में इसके बारे में कोई न्यूज़ आ गई तो बहुत जल्दी हाइप करते हैं इसीलिए इनका जो प्राइस है वो भी एकदम से हाई चला जाता है लेकिन बात वही है कि इसमें जितना अच्छा आपको रिटर्न मिलता है अगर मान लीजिए आपको इसमें सिक्स हंड्रेड तक रिटर्न मिलता है तो इनका डाउन जाने का भी जो चांस होता है वो उतना ही होता है काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं मीम कोइंस जो हैं लेकिन यस अगर आपको एक्चुअली में प्रॉफिट चाहिए क्रिप्टो करेंसी में तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट जरूर लगा कर रखें मीम कोइंस के अंदर जैसे अगर आप हजार रुपये या फाइव हंड्रेड रुपीज मीम कॉइन्स में लगाएं तो बहुत सही रहेगा क्योंकि ये मीम कोइंस कभी भी इंक्रीज हो सकते हैं मीम कॉइन्स का जो प्राइस है वो बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू अदर टोकन्स और अदर पोटेंशियल कॉइन्स टॉप फाइव अगर मैं मीम कॉइन्स की बात करूं जिसमें आप इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फ्लॉकी इनू है की शाइनू है की शू है शिबा है डॉच कॉइन है सेफ मून है ये इसमें से किसी के बारे में भी आप रिसर्च करिए और आप अपना जो पोर्टफोलियो स्टार्ट करने जा रहे हैं आप उसमें से कुछ परसेंट इन पर लगा के रख सकते हैं और इनको लगा के आप भूल जाइए अपना वॉलेट रोज़ रोज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि होता क्या है ना जब हम नए इन्वेस्टर्स होते हैं तो हमें रोज़ अपना वॉलेट चेक करने का लगा रहता है कि अब कितना हुआ अब कितना हुआ इस तरीके से बिल्कुल मत करिए आप एटलीस्ट ये मानकर चलिए कि आपने अमाउंट लगा दिया है तो दो तीन महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा कभी भी डिप में आपको सेल नहीं करना है अब बात करते हैं देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगी कि जब मैंने स्टार्ट किया क्रिप्टो करेंसी में ये वीडियो मैंने बनाई है बेसिकली क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत कंफ्यूजन थी कि हमें किससे स्टार्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिसपे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो हमने इनिशियली जो चूज़ किया था वो हमने टॉप फ़ाइव कॉइन्स के बीच में डिसाइड किया था कि टॉप फ़ाइव कॉइन जो पोटेंशियल कॉइन्स हैं या स्टेबल कॉइन्स आप कह सकते हैं हम उन पर लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने बिट कॉइन पर थोड़ा सा अमाउंट लगाया था देन हमने कार्डानो करके एक कॉइन होता है उस पर अमाउंट लगाया मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया देन मैंने मीम काइन्स के बारे में जब सुना तो मैंने लास्टली मीम कॉइन पे वन थाउजेंड रुपीज़ लगाया और मेरे पास जो मीम कॉइन है मीम टोकन है वो है शिबा इनू अब मैंने शिबा इनू लेने के बाद किसी और मीम कॉइन पे तो नहीं लगाया लेकिन डॉच कॉइन मैंने लास्ट मंथ लिया था जब से मैंने डॉच कॉइन लिया अभी फिलहाल वो डिप में चल रहा है लेकिन मैं उसको तब तक वेट करूंगी जब तक उसका प्राइस एटलीस्ट उतना नहीं हो जाता जिस पे मैंने जिस अमाउंट पर मैंने उसे खरीदा था और उसके बाद ही मैं अगर सेल करूँगी तो उसके बाद ही होगा वो शिबा इनू की बात करते हैं तो शीबा इनू ट्वेंटी ट्वेंटी में लॉन्च किया गया था इसके फॉलोअर्स अभी अगर मैं आज से छः सात महीने पहले की बात करती हूँ तो ट्विटर पे इसके फॉलोअर्स थे अराउंड फ़ाइव टू सिक्स लैक्स जो कि अभी डबल हो चुके हैं टेन लैक क्रॉस हो चुका है तो आप खुद सोच लीजिए कि इसके फॉलोअर्स जो हैं विद इन फ़ाइव टू सिक्स मंथ्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं शिबा इनू की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है बेसिकली ये जो कॉइन जब लॉन्च किया गया लॉन्च किया गया था तो ये डॉच कॉइन का इसे डॉच कॉइन किलर बोला जाता था और शिबा इनू एक बहुत ही पोटेंशियल टोकन आप बोल सकते हैं दूसरे मीम कॉइन्स के कम्पेरेटिवली ये एन भी लॉन्च कर रहे हैं गेमिंग में भी आ रहे हैं आने वाले टाइम में हो सकता है काफ़ी पेमेंट मेथड्स में भी शायद इसको यूज़ किया जाए अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था शिबा इनू का मैंने सितंबर uh, और अक्टूबर में आई गेस वन थाउजेंड रुपीज़ का शिबा इनू लिया था एंड उस टाइम पे उसका जो प्राइस है uh, वो था पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो सिक्सटी थ्री आफ्टर एट और नाइन डेज़ आप ये बोल सकते हैं कि मैं लकी रही क्योंकि मैंने अक्टूबर में जब इसको ख़रीदा था अक्टूबर में ही शिबा इनू का प्राइस मतलब सबसे ज़्यादा हाइएस्ट गया है उस टाइम पे मुझे वन थाउजेंड के ऊपर सिक्स थाउजेंड रुपीज़ मिल रहे थे दैट मीन्स मेरे को फाइव थाउजेंड का बेनिफिट हो रहा था तो मैंने क्या किया कि मैंने फ़ाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड का जो शिबा इनू है और परचेज़ किया एंड आफ्टर थ्री और फोर डेज़ उसमें उस टाइम उस पे इतना ज़्यादा हाइक आया हुआ था कि मेरे को ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज़ वहाँ पर शो हो रहे थे यानी कि मुझे आप सीधा सीधा लगा लीजिए अठारह हज़ार रुपये का बेनिफिट हो रहा था लेकिन उस टाइम पे मैंने उसको नहीं निकाला था क्योंकि जो शिव शिब इनों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे शिव आर्मी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि अभी इसका जो प्राइज़ है वो टेन पैसा तो क्या मतलब एक पैसा तक नहीं है और शिबा इनू का प्राइस बहुत ही कम है खैर जितने भी मीम टोकन्स होते हैं उनका प्राइस काफ़ी कम होता है आप हंड्रेड रुपीज़ में आपको काफ़ी सारे जो टोकन्स हैं वो मिल जाते हैं अभी रिसेंटली मैंने तीन दिन पहले हंड्रेड रुपीज़ के फिर से शिबा इनू टोकन्स लिए हैं तो मुझे अराउंड पता फिफ्टीन लाख या समथिंग कुछ मिले हैं मैंने कॉइन डी जो ऐप है वो डाउनलोड करी थी उसमें मैंने हंड्रेड रुपीज़ के लिए तो इस तरीके से मेरे पास बारह या तेरह लाख जो शिव इन टोकन्स हैं वो पड़े हुए हैं और उसका प्राइस अभी वन पैसा भी नहीं आप ये सोच लीजिए इन फ्यूचर अगर इसका प्राइस वन पैसा भी जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिट देकर जाएगा लेकिन हमें कभी भी इस चीज़ की वेट नहीं करनी है देखिए या तो आप अपना टारगेट बनाइए कि जैसे मैं सोच के चलती हूँ कि मेरे को वन पैसा तक वेट करनी है तो आपको बीच में अगर कोई डिप है उसका भी आ, मतलब वो भी निकालना पड़ेगा ऐसा नहीं कि डिप हो गए तो पैनिक हो गया आपने सेल कर दिया अब ऐसा नहीं ही है ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि इसका जो प्राइस है वो वन पैसा नहीं जाएगा इवन इसकी जो कम्युनिटी है या जिस जो इवेंट्स चल रहे हैं जो इसकी लिस्टिंग्स चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक है कि इसका प्राइस वन रुपीस तक भी जा सकता है लेकिन वो कब तक जाएगा ये अभी कुछ भी डिफाइन नहीं है तो मेरी आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मीम कॉइन्स के बारे में भी आप लोग रिसर्च करिए जो भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं और मीम कॉइन्स में भी अपने पोर्टफोलियो का फ़ाइव परसेंट ज़्यादा मत लगाइएगा ऐसा नहीं है कि अगर आपने तीन हज़ार या दो हज़ार इन्वेस्ट करना है तो वो सारा का सारा मीम कॉइन्स में कर दें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहे तो दो या तीन मीम मीमकॉइंस रखिए एटलीस्ट कोई एक तो बढ़ेगा आपको उसमें एक जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा ना वो आपका सारा निकल आएगा uh, मैं अगर अपनी ओपिनियन दूंगी तो मैं अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको शीबाइनू परचेज करने के लिए बोलूंगी अभी प्राइस काफी डिप में चला हुआ है और पिछले दिनों से तो इंक्रीज हो गया था लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी भी काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आप ले सकते हैं इसको डिप में लीजिए एंड इसका जो नेक्स्ट ईयर है काफी सारे इवेंट्स भी आने वाले हैं और ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकता है शिवा की एक और अच्छी बात यह है कि वो काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है बाइनेंस पे अवेलेबल है वजीर पे है कॉइन डीसी पे है पैन के स्वैप में है बाकी मीम टोकन्स की कंपेरिटिवली ये काफ़ी ज्यादा एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है क्योंकि इसकी जो डिमांड है शिवाइन की या पॉपुलैरिटी आप कह सकते हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है काफ़ी लोगों को इसमें इंटरेस्ट है और काफ़ी जो वेल्स हैं उन्होंने इसको बाय करके रखा हुआ है सो so एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप मीम टोकन में चाहते हैं इन्वेस्ट करना अगैन आप जो भी इन्वेस्ट करें अपनी रिसर्च करें पहले एंड देन उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करिए प्लस मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि जब भी आपने इन्वेस्ट करना है तो उतना ही पैसा लगाइए जितना आपको लगा के और भूल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी से उधार ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अपने कमेंट भी दीजिए अगर आपको कुछ और चीज़ के बारे में जानना है मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग सेफ रहिए घरों में सुरक्षित रहिए टेक केयर बाय